जितना ज्यादा पढ़ सके उतना ज्यादा पढ़, और जितना ज्यादा लिख सके उतना ज्यादा लिख, फिर आज तो जिनको पढ़ रहा कल उनसे आगे लिख। AI एंकर्स ह्यूमन एंकर्स को रिप्लेस कर पाएंगे आगे के टाइम में? नहीं, फिर सुविधाएं हर दौर में अपने हिसाब से रहती हैं, तकनीकी तेजी के साथ भाग रही। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है YMC संचार की खास पेशकश तजुर्बा में, और तजुर्बा में हमारे आज के मेहमान हैं डॉक्टर उमेश सिंह पाठक। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। धन्यवाद सर। 18 साल आपको मीडिया लाइन में पढ़ाते हुए, और फिलहाल आप महाराजा अग्रसेन में डिपार्टमेंट में जर्नलिज्म पढ़ाते हैं, कैसे तो आपका ये तजुर्बा रहा अब तक का टीचिंग लाइन में, उससे पहले जो आप प्रैक्टिकल करते थे उसके बारे में थोड़ा बताइए। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से मेरी जर्नी शुरू हुई एकेडमिक्स की, मीडिया एकेडमिक्स की, और सबसे पहले रेडियो इंडस्ट्री में मैंने काम किया काफ़ी सालों तक। रेडियो प्रोडक्शन के बाद एकेडमिक पे आया हूँ, तो जो जर्नी रही है वो बड़ी इंटरेस्टिंग रही है, क्योंकि लर्निंग का जो प्रोसेस है वो हमेशा चलता रहता है, और पिछले लगभग 2 दशकों में पढ़ाने का जो सिलसिला रहा है उसने मुझे भी बहुत मजबूत किया है, क्योंकि हर जनरेशन से कुछ ना कुछ एक टीचर सीखता है, और मीडिया एक ऐसा फील्ड है जहाँ स्किल एज देख के नहीं आ सकती, हमारे पढ़ाए बच्चे ही बाद में एक्सपर्ट होते हैं और हमें सिखाने के लायक हो जाते हैं। तो ये देख के बड़ी खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है कि जिन्हें हमने बेसिक्स सिखाया है या बताया है, कोशिश की है, वो आज एक्सपर्ट है किसी स्ट्रीम में और मीडिया के डिफरेंट फील्ड में एक्सेल कर रहे हैं और अपना नाम बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से एक सुखद संतोष मिलता है। सर, जब आपने जर्नलिज्म की पढ़ाई करी और आज आप जब बच्चों को जर्नलिज्म पढ़ा रहे हैं, तो क्या फर्क आप महसूस करते हैं कि हमारे टाइम पे ये चीजें नहीं थी लेकिन आज के टाइम पे बच्चों के पास सुविधाएं हैं क्या, और फिर बच्चे उसका उपयोग सही तरीके से कर रहे हैं? फिर सुविधाएं हर दौर में अपने हिसाब से रहती हैं, तकनीकी तेजी के साथ भाग रही है, तकनीकी ने चीजों को आसान बहुत बना दिया है, लेकिन जो बेसिक रवायत रही है पढ़ने की लिखने की, उनमें बहुत कमी आई है, और मेरा यह मानना है कि नई पीढ़ी को यही चीज बस सीखने की आवश्यकता है, जानने की जरूरत है, क्योंकि आप तकनीकी रूप से सक्षम तो हो गए हैं, आप टेक्नोलॉजी का यूज करके चीजों को बहुत जल्दी डिसमिनेट कर सकते हैं पूरी दुनिया में, लेकिन वही है सवाल कि कंटेंट कहाँ से लाओगे। रियलिटी मैटर्स अ लॉट, क्योंकि हम अच्छा बोल सकते हैं, अच्छा बता सकते हैं, लेकिन हमारे शब्द तो सीमित हैं, लेकिन शब्दों की जो सीमितता है और जो तथ्यों की कमी है, डेटास, आंकड़े, फैक्ट्स, वो हम नहीं बना सकते, उसके लिए तो स्टडी करनी पड़ेगी आपको। आजकल सर जैसे AI का जमाना है, तो जर्नलिज्म के स्टूडेंट्स के मन में एक डर ये भी है, क्या AI एंकर्स ह्यूमन एंकर्स को रिप्लेस कर पाएंगे आगे के टाइम में? नहीं, मेरे विचार से तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि AI एक मानव निर्मित तकनीकी है, और मानव जिस तकनीक का निर्माण कर सकता है उससे परे भी सोच सकता है। जो सबसे बड़ी ताकत ये है कि AI में प्रोग्रामिंग है, उस प्रोग्रामिंग से परे सोचने की शक्ति AI में नहीं होगी, जो कि मानव का जो मस्तिष्क है या दिमाग है वो प्राकृतिक है, नेचुरल है, और प्रकृति में जो गुण है वो कभी भी उसके विकल्पों में नहीं आ सकती है। क्योंकि मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा कि मान लीजिए कोई घटना है, AI उसको न्यूज एंकर के रूप में प्रेजेंट कर भी रहा है या कर रही है, जो भी फॉर्मेट आपने बनाया है, तो उसका एनालिसिस तो कर सकती है, लेकिन वही कर सकती है जितना डाटा उसके पास अवेलेबल है, लेकिन अचानक ही स्टूडियो में कुछ और इवेंट हो जाता है, कोई घटना घट जाती है, उस समय त्वरित सोचने की और समाचार को बदलने की जो ताकत है वो मानव दिमाग में ही हो सकती है, वो AI में नहीं आ सकती है। इसलिए यहाँ पर अचानक से उत्पन्न हुई स्थितियों में डिसीजन लेना और उसके हिसाब से फिर न्यूज को बताना या समाचार को दुनिया के साथ शेयर करना, साझा करना, वो एक मानव मस्तिष्क से ही संभव है, AI तकनीकी शायद इसमें उतना कारगर नहीं साबित हो पाएगी। सर, इतने साल आपको मीडिया इंडस्ट्री में, चाहे मैं टीचिंग लाइन की बात करूं या फिर जब आप प्रैक्टिकल ऑल इंडिया रेडियो में काम करते थे, तो जो जर्नलिज्म के स्टूडेंट्स हैं या जो जर्नलिज्म फील्ड के बारे में सोचते हैं, उनके लिए क्या सजेशन आप देना चाहेंगे? देखिए, आप विद्यार्थी चाहे पत्रकारिता के हों या किसी भी विषय के हों,
जीवन में तीन ही मुख्य काम है, पढ़ना लिखना और बोलना, और तीनों का एक अपना रेशियो है। रेशियो ये है कि जितना हम पढ़ सकें उससे ज्यादा हम लिखें और उससे थोड़ा कम बोलें। लेकिन हमने रेशियो को उल्टा कर दिया। आज हम क्या कर रहे हैं, आज हम लिखते बहुत कम हैं, पढ़ते शायद बिल्कुल कम है, हम सर्चिंग कर रहे हैं और तेजी के साथ अपनी उंगलियों को स्क्रॉलिंग कर रहे हैं पढ़ने की जगह पे, और बोलना हम इतना कर रहे हैं कि हमें पता ही नहीं कि हमारा कंटेंट क्या है। ये रेशियो जब समझ में आ जाए तो मुझे लगता है कि हर विद्यार्थी एक्सेल कर सकता है अपने रिस्पेक्टिव फील्ड में। और मैं विद्यार्थियों को यही कहूँगा कि जितना ज़्यादा पढ़ सके उतना ज़्यादा पढ़, और जितना ज़्यादा लिख सके उतना ज़्यादा लिख, फिर आज तो जिनको पढ़ रहा कल उनसे आगे लिख। और जर्नलिज्म के विद्यार्थियों के लिए जरूर एक चीज और कहूंगा कि शब्द का संबल समय की धार देखो, हाउ कैपेबल यू आर, जस्ट इवेल्युएट योरसेल्फ। शब्द का संबल समय की धार देखो और अपने हाथ की पतवार देखो, नाव टूटी है भले हिम्मत न टूटे, देखना है तो नदी के पार देखो, देखना है तो नदी के पार देखो। बहुत खूब सर। सर आपने आज जेसी बोस यूनिवर्सिटी के मीडिया डिपार्टमेंट के स्टूडेंट के साथ इंटरेक्शन किया, साथ के साथ आपने डिपार्टमेंट के स्टूडियो को भी विजिट किया, कोई फीडबैक अगर आप हमें देना चाहें। देखिए मेरा जो अभी तक ऑब्जर्वेशन है, यू हैव बेस्ट फैसिलिटीज ओवर हियर एंड यू शुड यूटिलाइज इट, यू हैव वंडरफुल फैकल्टी मेंबर्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर दैट इज बेटर इन NCR आई वुड से। So it's up to you how much you can use in a positive manner to learn, to excel your skills and to be a professional in fields. बहुत बहुत धन्यवाद सर अपना कीमती समय में देने के लिए। ऐसे ही तमाम एपिसोड्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, जल्द मिलूंगा एक नए एपिसोड के लिए, तब तक के लिए देखते रहिए YMC संचार।